अविवाहित महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एमटीपी एक्ट के तहत अनमैरिड यानी अविवाहित लड़कियों को गर्भपात का पूरा अधिकार दे दिया है। अदालत की माने तो महिलाओं को अपना हर फैसला खुद करने की आज़ादी है। अब कोर्ट के इस फैसले का मतलब ये है अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार कर दिया है। आपको बता दें कि सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से ज्यादा और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था, लेकिन अब इसे अविवाहित महिलाओं को भी दे दिया गया है। इसके द्वारा ही पति द्वारा किया जाने वाला दुष्कर्म मैरिटल रेप की दशा में भी 24 हफ्ते की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा 20 से 24 हफ्ते के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात करने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 की आत्मा का उल्लंघन होगा। इसलिए गर्भपात के अधिकार में फर्क को मिटाते हुए कोर्ट ने दोनों ही स्थिति में इसे एक समान कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से लिव इन रिलेशनशिप और सहमति से बने संबंधों से गर्भवती हुई महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक सिर्फ समाज और कानून के डर से ऐसी स्थिति में खुद को हेल्पलेस महसूस करती थी। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर